हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया हूँ। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आप दुर्गा पूजा मेकअप लुक भी बोल सकते हो। अगर आपको मेकअप करने में थोड़ी सा भी दिक्कत होता हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है मैं यहाँ पे, क्योंकि आपको स्टेप बाय मेकअप करके बताने वाली हूँ। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको एक बात ख्याल रखना चाहिए, जब भी हम मेकअप करना स्टार्ट करें तो उसके पहले हमें अपना स्किन केयर कर ही लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपना स्किन केयर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी मेकअप की तरह। तो उसके लिए पहला स्टेप हमारा होगा, हम पहले इस्तेमाल करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए यहाँ पे मैंने हुडा ब्यूटी का प्राइमर लिया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। प्राइमर से क्या होता है, हमारे फेस पे जितने भी ओपन पोर्स होते हैं ये सब अच्छे से उसको कवर कर लेता है, ताकि हमारी स्किन जो भी मेकअप हो वो अंदर तक ना जाए। यहाँ पे मैंने प्राइमर लगा लिया है अच्छे से। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे फाउंडेशन। मैं कंसीलर नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि मेरे आईज के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं है। मैं यहाँ पे फाउंडेशन देख सकते हो पैरासोनिक का लिया है। इसमें सन प्रोटेक्शन से भी बच सकते हैं, स्किन स्पॉट ये अच्छा है। आप जो भी अपना फाउंडेशन लगाते हो आप वो ले सकते हैं। इसको अच्छे से हम कुछ इस तरह से लगा लेंगे पूरे फेस पे डैब डैब करके। उसके बाद इसको हम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैं इसको अब अच्छे से ब्लेंड करूं। मैंने आप देख सकते हो अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अगर आपको जहां पे भी लगता हो कि अभी कम है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। और इकट्ठा ना अप्लाई करें तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि इकट्ठा अप्लाई करने पे जगह जगह से वो फटाफटा सा लगने लगता है और अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता है। तो आप थोड़ा ही थोड़ा करके लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। और हमें अपने नेक पे भी लगा लेना है अच्छे से। आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हम अप्लाई करेंगे कॉम्फर्ट पाउडर फाउंडेशन को अच्छे से सेट करने के लिए, ताकि हमारा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का फाउंडेशन ली, कॉम्फर्ट पाउडर ली हूँ, सॉरी कॉम्फैक्ट पाउडर यहाँ पे ली हूँ। ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा डिफरेंट है, चलो ट्राई करते हैं। मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। आप देख सकते हो मैंने अपना इसको अच्छे से फाउंडेशन को सेट के लिए लिया है। अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। आप देख सकते हो आई मेकअप के लिए आप कलर मैच करके भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ पिंक कलर का आई मेकअप करने वाली हूँ।
आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पिंक कलर का डाला है। अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा ये कलर डालने वाली हूँ, थोड़ा मैचिंग का हो जाएगा। हमारे आउटफिट से अब हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर के लिए यहाँ पे मैंने ये वाला छोटा सा लिया है सेन न्यू का आईलाइनर। ये भी ब्लैक कलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। 50 रुपीज़ के अंदर में ही मिल जाएगा। देख सकते हो अब हम दूसरी आईज में भी अपने इस तरह से लगा लेंगे। गाइस मैंने दोनों आईज पे अपने लगा लिया है आईलाइनर। अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। इससे क्या है कि हमारे आईज के लुक चेंज हो जाएगी, थोड़ा बड़ी और थोड़ा अच्छी दिखेगी। मैं यहाँ पे आई लैशेस नहीं अप्लाई करने वाली हूँ। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे मस्कारा लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल अप्लाई करने वाली हूँ। आपके पास जो भी हो आप लगा सकते हो, मेरे पास यहाँ मैक्स का है। गाइस मैंने लगा लिया है काजल अच्छे से। आपको एक बात याद रखनी है, साड़ी के साथ हम जब भी काजल लगाएं तो उसको थोड़ा मोटा ही करके लगाएं। उससे क्या है कि हमारी आईज थोड़ी बड़ी दिखती है और बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी अच्छे। आपके पास जो भी हो आईब्रो पेंसिल या कुछ भी हो आप उससे अपने आईब्रो को अच्छे से सेट कर लेंगे। आप देख सकते हो गाइस सेट करने के बाद दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंट है। अब मैं अपना दूसरा वाला भी इसी तरह से कर लूंगी, देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे प्लस के लिए थोड़ा पिंकिश कलर लेने वाली हूँ। ज्यादा नहीं, बस हल्का सा।
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मेकअप लुक मतलब क्रिएट अच्छे से हो गया है। अब मैं आपको उसके बाद अपने हेयर स्टाइल जिस तरह से करना हो कर लीजिए। तो मैं ये हेयर स्टाइल कुछ करने वाली नहीं हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। उसके बाद तो मैं अपना फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस आज की फाइनल लुक ये रहा हमारा। अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो उनको दिल से थैंक यू। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलूंगी फिर एक नए वीडियो के साथ।